के अध्यक्ष जी ने जो अभी बात कही नई संसद का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे करने के साथ साथ जो एससी एसटी ओबीसी समाज के जुड़े हुए मुद्दे हैं जिसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार 1997 से संघर्ष कर रहे हैं, वो तमाम मुद्दे भी हमारे इस रैली में शामिल हो गए। मुख्य मुद्दा तो है ही, उसके साथ साथ जो आरक्षण का सवाल है, जो ताबड़तोड़ निजीकरण चल रहा है उसका सवाल है, सरकारी प्रतिष्ठान जो बेचे जा रहे हैं, वोट बेचे जा रहे हैं, उसका बताते हैं। इन तमाम सवालों पर साथ ही साथ जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है 14 के बाद, पूरे देश में मनुवादियों के हौसले बुलंद हैं और दलित उत्पीड़न की घटनाएं अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है, तो लगातार उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। चाहे हाथरस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा हो, जाना हो, परिजनों से मिलना हो, या पूरे देश में कहीं भी दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती है, तो हमारे संगठन के पदाधिकारी, हमारे संगठन के लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार उसके लिए संघर्ष करते हैं। तो ये तमाम मुद्दे उन मुद्दों के साथ साथ शामिल होंगे, और खास तौर पे ये जो कोलेजियम सिस्टम है न्यायपालिका में, उच्च न्यायपालिका में आरक्षण के लिए भी हमारे संगठन परिसंघ की एक लंबी लड़ाई, लंबी परंपरा रही है उसके खिलाफ संघर्ष की, तो वो मुद्दे भी शामिल रहेंगे ये जो 28 नवंबर की रैली है उसमें। अगर 28 के बाद में सरकार आपकी मांग को नहीं मानती है तो फिर क्या कोई दूसरा विकल्प चुनेंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा आंदोलन बीपी मौर्या जी ने किया था, उस समय लाखों लोग जेल में गए थे, उसका परिणाम हुआ कि डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा बनी संसद में, तो वही एक रास्ता है कि जनता के बीच जाएंगे और जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन और तमाम विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं उनसे संपर्क किया जाए। सर, जो अक्सर कहते दलित सांसद हैं, एससी एसटी के चुनकर आते हैं और 1000 करीब विधायक हैं, क्या आपने उन सबको सहयोग मांगा है इसमें? तो ज़्यादातर मरे पड़े हुए, उनकी हिम्मत नहीं है। मैं संसद में 5 साल तक था, सत्ता पक्ष का होकर के जितना बात, जो जनून बातें होती, चाहे GST का विरोध करना हो, जुडिशियल सिस्टम हो और भी बातें हैं, उठाया करता तो नहीं कर पाएंगे। सर, किसानों का करीब 13 महीने आंदोलन चला था, बड़ी मुश्किल से उनकी जो है वो कानून वापस हुआ था, तो क्या लग रहा आसानी से मानेंगे सरकार आपकी मांगों को? मुझे मालूम है कि नहीं मानेंगे, लेकिन एक बात भी मैं बता दूं कि 2 अप्रैल 2018 को जब भारत बंद हम लोगों ने किया था, भारत बंद की अगुवाई मैंने किया था, बल्कि पासवान जी, मायावती जी ने उसका विरोध भी किया था, और उसी के ऊपर हमारा रामलाल जी से BJP के जो शीर्ष नेता थे उस पर काफ़ी बहस भी हुई थी, तो अंत में दोनों बातें मानी गई। भारत बंद के बाद दोनों बातें मानी गई, एक तो SC ST एक्ट का बात है, दूसरा रोस्टर सिस्टम की बात थी। तो ऐसी बात नहीं कि सरकारें नहीं मानी, लोग मानते हैं कि दो ही चीज़ मामले में मोदी ने पीछे हाथ किए हैं, एक तो लैंड एक्विजिशन में, दूसरा फार्मर वाले मामले में, लेकिन दो और बातें हैं जो चूँकि सबसे संबंधित नहीं है तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता कि दो और मांगों के मामले में मोदी ने सरेंडर किया है। सर, बहुत सारे संगठन है बाबा साहब के नाम पर, बहुजनों के नाम पर, कितने संगठन आ रहे हैं आपके इस पूरी रैली में? देखिए, न मेरा है, न इनका है, न उनका है, सबका है, तो आना चाहिए सबको। खबर गया है हजारों लाखों को, आना चाहिए, और मुझे लगता है कि उस दिन रामलीला मैदान में एक अच्छी रैली होगी। हम लोगों ने तो अपील की है कि जो भी संगठन है अपना झंडा, अपना डंडा, अपना बैनर लेके आए, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बाबा साहब का मिशन महत्वपूर्ण है, सबका है, इसमें कोई नेतागिरी किसी की नहीं है। मैंने तो अभी कहा कि भाई मैंने तो अपना नाम आगे किया भी नहीं हूँ, सब लोग आए, सबसे अपील है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग अपील भी करते हैं कि सब लोग जुटे इसमें। लोगों ने जो लोग आएंगे उनको कुछ रुकने खाने की व्यवस्था, कोई पॉइंट ऐसा हो जहाँ पे लोग, हमारे लोग इस तरह के होते ही नहीं, हमारे ज्यादातर कर्मचारी, अधिकारी, अम्बेडकरवादी और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, 1500-2000 रुक जाए तो रुक जाए रामनगर में अम्बेडकर, वरना सब फ्लाइट से आते हैं, पहाड़गंज में भरे रहते हैं, अपने गेस्ट हाउस में रहते, सारे एम्प्लाई जो अधिकारी होते हैं जिनके बीच में काम किया। नहीं सर, जो लोग गांव के हाथ से आएंगे, किसान आएंगे, ओपन कॉल आप लोगों ने किया तो उनके रुकने की व्यवस्था, जब 2 दिन पहले 3 दिन पहले कोई अगर आ जाए? देखिए, ऐसा है कि उम्मीद तो नहीं है कि बाहर से आते हैं दिल्ली और दिल्ली के आसपास से किसान, वहाँ चाहे जिसकी रैली हो, चाहे जिसकी रैली हो, वही है, अगर वो आए तो अपनी व्यवस्था पर आए, हम कोशिश करते हैं, हाथ फैलाते हैं समाज से, जो दान दक्षिणा मिले, अभी तो हम घाटे में हैं, लेकिन यह है कि हमारा कम से कम में होता है
लेकिन फिर भी आर्थिक तंगी के दौर से गुजर ही रहे हैं, जो कि इस मामले में बड़ा मुश्किल होता है। मतलब आपका कहने का मतलब कि 50% राज्यों से लोगों की आने की संभावना है? जरूर। वो जो क्रीमी लेयर, हम रामलीला मैदान 97 से मैं 22 बार भर चुका हूँ, वो तो कई बार पैसा दे के जाते हैं, सरप्लस भी होता है। हमारा उस तरह के नहीं कि बसें दे करके, गाड़ी दे के, खाना दे कर नहीं बुलाते, ना हमारे बस का है। ठीक है सर।